इतना मजे का दिन मेरा फ्राइडे को क्यों पार्टी है बताऊं किस चीज की बताओ कैसा बना दूसरे मैंने गल चुके हैं इसको मैं भूल लूंगी अच्छे से जो हमारे पाए गल चुके हैं इसको अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब गाइस कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे खैरियत से होंगे मज़े में होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल जूनी किचन एंड व्लॉग्स जी गाइस आज मैंने व्लॉग 1 बजे स्टार्ट किया है और 1 बजे हम जुरान को स्कूल लेने जा रहे हैं बाइक पे जा रहे हैं क्योंकि गाड़ियों में इतना रश होता है कि बस गाड़ी पे जो है ना अब स्कूल पहुँचना वक्त पर बहुत मुश्किल है तो हम जुरान को भी पिक करने उसके स्कूल जा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कैसा है ठीक है सही फ्राइडे को ना नहीं इतना मजे का दिन मेरा फ्राइडे को क्यों पार्टी है बताऊं किस चीज की किस चीज की हाँ वो हमारी प्रिंसिपल नहीं है प्रिंसिपल नहीं अरे कहना क्या चाहते हो वो हमारी पार्टी है मैम ने कहा कि आप स्नो स्प्रे लेके आना अच्छा ये मैं लेके जाऊंगा स्नो ठीक है ये स्टार किस चीज के लिए दी है उसको बोला कि मैम पहली बार मुझे उर्दू का काम करते हुए मजा आ रहा है अच्छा अच्छा आज तो बाबा भी लेने आए मम्मा के साथ ओह माय गॉड वाओ बाबा और मामा लेकिन स्नो स्प्रे अच्छा मैं दिलाऊंगी फ्राइडे को कलर डे पे पिज्जा भी और स्नो स्प्रे पिज्जा भी फिर से आ गए रे बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रे लास्ट ईयर है ना मोंटेसरी में इससे पार्टी है मम्मा दिलाएंगी तुझे ना कर A few minutes later. काफी दिनों से सोच रही हूँ कि बच्चों को डोनट्स बना के दूँ तो सोचा कि रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ चलिए जब रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैंने हाफ कप नीम गरम पानी लिया है और पानी बहुत बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए ठीक है अब इसमें हम 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे चीनी की इसके बाद मैं ईस्ट ऐड करूंगी और वो ऐड करूंगी 1 टीस्पून कोई भी आप इंस्टेंट ईस्ट ले सकते हैं इसको वैसे एक्टिव करने की जरूरत नहीं होती है पहले लेकिन ये कि एहतियात अच्छी होती है अगर हम डायरेक्ट ईस्ट को मैदे में डालेंगे और वो कोई प्रॉब्लम निकल आती है कोई एक्सपायर हो जाती है कोई एक्टिव नहीं हो पाती तो हमारा जो सारा मटेरियल है वो ख़राब हो जाता है बहरहाल 1 टीस्पून में इसको मैं पानी में ईस्ट को डाल दिया और इसको अब जो है मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी ताकि अच्छे से ये एक्टिव हो जाए सेकेंड इसके स्टेप में मैंने एक बॉल लिया है इसमें मैं ऐड करूंगी 2 कप मैदा 2 कप्स मैदा ऐड करूंगी और ये इसको मैं लाजमी स्टेन करूंगी अगर स्टेन नहीं करेंगे तो हमारे जो डोनट्स में फ्लफीनेस है वो नहीं आएगी 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा नमक और 1/4 टीस्पून चला जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर ये वाला बेकिंग पाउडर आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं ठीक है जी नेक्स्ट ये जो मैदा था उसको हम अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई पार्टिकल्स हैं या कोई होता है ना समझें कीड़ा सा लगा होता है तो वो सब कुछ निकल जाएगा इसके बाद मैंने 1 अंडा इसमें डाल देना है आपकी अपनी मर्जी रहे रूम टेम्परेचर का या फ्रिज का है इसमें 3 से 4 टेबल स्पून चला जाएगा ऑयल अब ये मेरे पास जो एक्टिव की हुई ईस्ट थी जो मैंने एक्टिव होने के लिए रखी थी उसी पानी से मैंने अच्छा सा आटा गूंद लेना है आटा बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए बल्कि कोशिश करें थोड़ा सा नरम हो इतना भी नरम ना हो हमने अच्छा सा आटा गूंद लें जो हमारे पास पानी था उस सारे पानी से हमने गूंद लेना है वो सारा पानी ईस्ट वाला मैंने यूज़ कर लिया और अच्छे से मैंने ये डो बना ली है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपने आटे को लाजमी गूंदना है मैदे को गूंदना है इसके ऊपर मैं एंड में ऑयल की ग्रीसिंग कर दूंगी ताकि ऊपर सख्त लेयर ना आए अगर तो गर्मियां हैं तो हमारी जो हमारी डो है वो 1.5 घंटे तक या 2 घंटे तक अच्छी राइस हो जाती है लेकिन आजकल ठंड है तो 3 घंटे मुझे लाजमी लगेंगे ओवन में इसको रख रही हूँ जो माइक्रोवेव ओवन होता है वो बंद है तो अंदर हवा वगैरह नहीं जाती इसलिए उसमें मैं रख रही हूँ 3 से 4 घंटे बाद इसको मैं ओपन करूँगी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो सोचा क्यों ना पाई बना लिए जाए ये मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे धो के रखे हुए थे जिस तरह मैं गोश्त के पैकेट्स बनाती हूँ इस तरह मैंने पाया कि भी पैकेट समटाइम बना देती हूँ यहाँ पर मैंने इसकी मैरिनेशन के लिए सब चीज़ें से वेजिटेबल्स वगैरह काट
काट के रख दिए ताकि जल्दी काम ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे जो है मैं लहसुन और अदरक पीस रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी, क्योंकि लहसुन अदरक जब तक हांडी में डालो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। चलते हैं जी, आज पाए बनाते हैं। यहाँ मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ और पाए थोड़े से फ्रीज हुए होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कुकर में जाके सब कुछ गल जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब पाए ले लिए हैं। यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ का टमाटर, दरमियाने साइज़ का प्याज और 3 से 4 हरी मिर्चें नॉर्मल मैंने काटी हैं, बहुत छोटी भी नहीं चॉप की और बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। और इसमें मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। हर किसी का अपना अपना डिफरेंट तरीका होता है, मैं इस तरीके से बना रही हूँ और मुझे इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग टमाटर डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, मतलब जो मेरा खुद का पर्सनल तरीका है वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं अब इतना पानी डालूंगी कि पाए अच्छे से डिप हो जाए। जब तक पाए गले में ना हो ना तो जायका नहीं आता। तो मैं अब इसका लिड कवर करने से पहले इसमें मैं स्पाइसेस डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, 1.5 टेबल स्पून इसमें मैं सुर्ख मिर्च पाउडर डाल दूंगी। स्पाइसेस आपकी अपनी मर्जी है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून इसमें चली जाएगी हल्दी। मसालों को अच्छे से हमने मिक्स कर देना है, लिड कवर कर देना है। मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे लगे थे, नॉर्मल फ्लेम था, मीडियम फ्लेम था, उसमें मैंने 15 से 20 मिनट इसको दिया था। तो फिर उसके बाद मेरे पाए अच्छे से गल गए। तो आपने भी पाए अच्छे से गलाने ताकि वो जैसे कहते हैं ना चिपचिप होती है हाथों में, तो पाए वो होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह आपने अच्छे से इनको गला लेना है। टमाटर लेके आए थे तो इनको मैं धो के फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल्स हो मैं इस तरह फ्रिज में नहीं रखती। इवन कि मैं आलू भी, वो हस्बैंड लेकर आते हैं तो मैं उनको भी धो के सुखा के जो है ना वो उसके वेजिटेबल रैक होता है उसमें डालती हूँ। पता नहीं मेरी बस ये आदत है। डो को तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे और ये देखें बहुत अच्छी सी राइस हो चुकी है, डबल हो चुकी है साइज़ में। अब मैं आपको जल्दी से शॉर्ट शॉर्ट सा बताती हूँ, क्योंकि अगर मैंने बहुत बारीकी से बताया तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसमें से हमने जो एयर निकाल देनी है और इसको बहुत अच्छे से हमने दोबारा से गूंदना है ताकि इसमें जो हवा है वो अच्छे से निकल जाए। और हमने जो हमारे पास डो है उसका एक कोना पकड़ना है, यानी एक साइड से पकड़े, दूसरे हाथ से हमने इसको अच्छे से मसलना है इस तरह। और ये प्रोसीजर आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मुसलसल करना है। अगर तो ये डो आपके हाथों से चिपक रही है तो आप साथ साथ मैदा या आटा इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। इसी तरह फिर हम इसकी एक रोटी सी बना लेंगे। रोटी जो है ना चारों साइड से बराबर होनी चाहिए, नहीं कि कहीं से मोटी कहीं से पतली हो। ठीक है जी, साथ साथ हम मैदा जो स्प्रिंकल करते रहेंगे और हमने एक अच्छी सी रोटी बना ली। यहाँ पे मैंने ट्रे ले लिया, इसको मैंने जो मैदे से डस्ट कर लिया और यहाँ पे देखिए एक मैंने बड़ा सा कप बोल सकते हैं या लिड बोल सकते हैं। आपके पास कोई भी ऐसा सांचा है कि जितने आपने डोनट्स बनाने उतना आपने कोई भी सांचा ले लेना। ये मेरे पास एक बोतल थी तो उसका मैंने ऊपर से कैप ले लिया। इस तरह ये प्रेस कर रही हूँ मैं ज़ोर से तो ये ऑटोमेटिक इसकी शेप बनती जा रही है। और मिड वाली जो इसको सर्कल वाली शेप होती है, ये मेरे पास एक मेडिसिन थे, सीरप था, उसका मैंने एक ऊपर से कैप ले लिया। तो इस तरीके से आपने सारे जो है ना डोनट्स रेडी कर लेने हैं और जो उसके कॉर्नर वो सारे हमने उठा लेने हैं, जो इसके मिड वाले निकलेंगे वो भी हमने सारे उठा लेने, दोबारा से रोटी बेल के तो दोबारा से हमने इस तरह डोनट बना देने हैं। जब ये सारे डोनट डन हो जाएंगे तो हमने इसको 15 से 20 मिनट दोबारा राइस होने के लिए रख देना है। साथ ही जी हमने अपना चॉकलेट गनाश बना लेना। यहाँ पे मैंने 1.5 कप दूध लिया है, इसमें मैं डार्क चॉकलेट डालूंगी। आप चाहें तो नॉर्मल जो डेरी मिल्क मिलती है वो भी डाल सकते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। ये मेरे पास क्रेव की चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट, तकरीबन 1/2 कप मैंने इसमें डार्क चॉकलेट का डालना है। इसके अंदर से ऐसे कुछ पैकिंग होती है, इसमें से मैं निकाल लूँगी। ये पूरा बार होता है और ये तकरीबन मेरे 3-4 महीने ईजिली गुजर जाते हैं। ये चॉकलेट जो है ना डार्क चॉकलेट, ये मैंने दूध में डाल के इसको अच्छे से मेल्ट करना है। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं दूध की जगह। ठीक है जी, जब ये अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब, 1/2 से भी नहीं बल्कि 1/4 टीस्पून, 1 टेबल स्पून दूध में मैंने मिक्स करके इस गनाश में डाल दिया ताकि ये चॉकलेट थोड़ी सी थिक हो जाए। अब यहाँ पे चॉकलेट थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट हो गई है, इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। और यहाँ पे ये थिक हो गई, यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल भी डाला था, शायद वो सीन स्किप हो गया है। यहाँ पे हमारा गनाश रेडी हो चुका है। बहुत थिक भी नहीं करना कि बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, नॉर्मल रखना है। यहाँ पे हमने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है और बारी बारी करके मैं सारे डोनट्स इसमें डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा हमने ओवरलोड नहीं करना कढ़ाई पे, 3 से 4 डोनट डालने ताकि वो अच्छे से राइस हो सके, उनको स्पेस खुली मिले। और हमने फ्लेम को मीडियम रखना है, मीडियम टू लो, हाई फ्लेम नहीं रखना ताकि अंदर से कच्चे ना रहे बाहर से ब्राउन। अब आपकी मर्जी है कि आपने बहुत ज़्यादा डार्क पसंद करते हैं या लाइट पसंद करते हैं, मुझे नॉर्मल पसंद है। सारे डोनट्स फ्राई करने के लिए मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे और बहुत अच्छे से सारे डन हो चुके थे। यहाँ पे सारे डोनट्स मैंने फ्राई कर लिए और इनको मैंने थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के लिए इनको मैंने जो कटिंग बोर्ड होता है उस पर रख दिए इस तरीके से। अरे भाई को बुलाओ। अब हर डोनट को जैसे कि ये डोनट, ठीक है ये हमारे पास डोनट है, इसको हम लिख कर देंगे ऐसे। ये देखिए मेरे में वाइट बना, हमारे
डोनट, जबरदस्त। ठीक है, इसको हम रख देंगे यहाँ पे। इस तरीके से हमने सारे इसमें डिप कर देने हैं। ये डोनट है, ये स्प्रिंकल जुरान करेगा। ओके जुरान, ठीक है ठीक है। ये थोड़ा सा ड्राई होने के, ये गर्म है, ये बड़ा ठंडा वाला लेते हैं। ये देखें, इसको ऐसे थोड़ा सा छोड़ देना ताकि थिक लेयर बने। पतली लेयर होगी तो मज़ा नहीं करेगा। ये देखें, आहा मज़ा आ गया। क्या ज़रूरत इतने पैसे बाहर ज़ाया करने के भाई, घर पे बनाए, मौज करे, मस्ती करे। बंदा बाहर से कुछ चीज़ लेके खाए, बेहतर है साफ सुथरे थोड़े पैसों में, कम खर्च में, है ना जुनी? सही के जुरान, ये क्या कर, रखो इसको, रख दो इसको। ये देखें क्या क्लासी बन, ये देखें। आपकी अपनी मर्जी, वाइट चॉकलेट लेके उसको भी मेल्ट करके इस तरह कर सकते हैं, उसमें जो है डिफरेंट कलर डाल दें तो आपके डिफरेंट बन जाएंगे। मेरे पास वाइट चॉकलेट नहीं थी, ब्लैक पे मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इस वजह से मैं चॉकलेट वाले बना रही हूँ। चल ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त से डोनट हम कर देते हैं साइड पे। अच्छा, मेरे पास ये दो तरह के स्प्रिंकल्स हैं, ये एक रेड है और एक वाइट है, तो और भी हैं लेकिन मैंने कहा सोचे अभी इसी से काम चलाते हैं। स्प्रिंकल्स डाल, अब रहा मैं रेड वाला, कुछ पे रेड डाल दो, कुछ पे वाइट, कुछ पे रेड डाल रहे हैं, कुछ पे वाइट, कुछ रेड कुछ वाइट। जबरदस्त से हमारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं। आप देख लें कि इससे दो कप मैदे से मैंने कितने ज़्यादा डोनट्स बना लिए। अगर आप ये बेकरी पे लेने जाएंगे तो आपको 1500 से कम ये नहीं मिलेगा। और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके सामने यूज़ किए हैं उसका भी आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने पैसों में मैंने बनाए। ठीक है, तो बेहतर है कि घर पे बनाएं साफ सुथरे तरीके से, और ख़ुद भी इंजॉय करें, बच्चों को भी इंजॉय कराएं। बाहर जाते हैं तो आप अपने साथ ले जाएं, वहाँ जाके आप खाएं, तो मतलब बहुत ही बेहतरीन और साफ सुथरा काम। साथ जी मेरे रखे हुए थे, उसको मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। ये देखें, हिलाओ नहीं जरा, ये देखें कितने सॉफ्ट, कितने सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का, बेहतरीन। आगे बताओ कैसा बना, मजे का जुरान, आप खा के चाहिए। आरिफ खा लिया, आरिफ तो खा आया है ना, खा रहे हो वहीं पे, खा रहे हो ट्रे में, खा लिया आरिफ, कितने खा रहे हो? दूसरा खाओ खाओ, मैंने हाफ खाया है। जो हमारे पाए गल चुके हैं, इसको भूनती हूँ और यार खिलारा चेक करे कसम से। ये देखें बर्तनों के बनाओ तो कहती थी माल्टे खाऊंगी लेकिन जो है ना टाइम ही नहीं मिला। और इधर देखें, ये इधर देखें, खा लो खा लो खा लो, इधर देखें ये भी बर्तन सारे धोने वाले हैं, ये भी उठाओ यहाँ से देंगे। और नान लेके आएंगे, आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं रोटी डालूँ। इन चीज़ों की भी उठाते हैं हम यहाँ से और इनको रखते हैं यहाँ पे। ये ऑरेंजेस तो मैं भी खाऊंगी क्योंकि मैंने हाफ डोनट खाया, मैंने अरे हाफ डोनट खाया, हमारी हांडी बन रही है। पायों को मैंने अच्छा सा जो है ना वो भून लिया है और इसकी तरी ऊपर आना शुरू हो गई है। इसमें मैं तकरीबन 2 कप पानी डाल दूंगी, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए होगी, जितना मुझे शोरबा चाहिए होगा उतना मैं पानी डालूंगी। साथ साथ मैं ऑरेंजेस खा रही हूँ क्योंकि बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। सुबह से मैं किचन में बिजी हूँ, डोनट चीज़ें बनते हैं, कोई भी बेकिंग वाली चीज़ बनती है कि इनके थक जाती हूँ मैं। एनी वेज यहाँ पर मैंने जो है ना धनिया काट के रखा हुआ था, ये इसमें डाल दूंगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, पाए हमारे हो चुके हैं रेडी। अब जी यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आरिफ को मैं साथ साथ स्कूल को होमवर्क करवा रही हूँ और सारिक और जुरान जो है वो कारी साहब से सिपारा पढ़ने लगे हैं। ये इनके शाम का टाइम है तो ये बस काम साथ साथ चलते रहते हैं। अब मैंने तो पाए नहीं खाने थे तो सोचा कि जो मैंने चिकन को मसाला लगाया हुआ था वो मैं एयर फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक लेग पीस मतलब पूरा पीस लिया था और इसको मैं हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ और 10 से 15 मिनट के लिए मैं एयर फ्राई में लगाऊंगी। तब तक साथ साथ जो है ना मैं सैलेड भी काट रही हूँ और ये जो मैंने सारा चिकन फ्रीज़ किया हुआ था उसको मैं शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। जब मुझे ये होगा तो मैं एक पीस निकाल के इस तरह एयर फ्राई करके खा लूँगी। यहाँ पर जी मेरा ज़बरदस्त सा जो है ना वो पीस रेडी हो चुका है लेकिन एक साइड से, अपने इसकी साइड उल्टा के दोबारा ग्रीस करके इसको फिर मैं एयर फ्राई में लगाऊँगी। यकीन करें बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही बिना ज़्यादा बर्तन लबेड़े हुए ना तो ये बहुत अच्छा सा बन जाता है। बर्तन आपके ज़्यादा गंदे नहीं होते, बस आपने जो है नीचे वो फॉइल बिछाया होकर एयर फ्राई में तो आपका एयर फ्राई भी सेफ रहेगा और आपका काम भी बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पर जी मेरा ज़बरदस्त चिकन टिक्का हो चुका है रेडी। मैंने सैलेड काट लिया है, सैलेड के साथ जो है ना मैं खाऊँगी, इंजॉय करूँगी। यकीन करें बहुत भूख लगी हुई है।
देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इनग्रीडियंट्स का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, मसाला भी बहुत परफेक्ट लगा था और अंदर से कुक भी बहुत अच्छा हुआ था। बड़ा पीस था लेकिन फिर भी फ्रेंड ने अपना कमाल कर दिया, मतलब बहुत अच्छा हुआ हुआ था। आजकल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि बस बंदा जो है ना बिल्कुल लाजवाब हो जाता है। यहाँ भी हमने अफगानी नान मंगवा लिए थे और लेकिन घर बहुत मज़े के थे। यहाँ मैं एक नहीं वाला तोड़ के खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सख्त भूख लग रही थी। तो जो है कि बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि सब खाना खाएं तो मैं भी साथ साथ खाना खाऊं। तो बस हम खाना रखने लगे, अपना खाना इंजॉय करने लगे। पाए यकीन करें बहुत मज़े के बने थे, बच्चों ने बहुत शौक से खाए, सब ने बहुत शौक से खाए। तो बस ये ऐसी कोई चीज़ जब दिन में बनती है कि बच्चे और सब बहुत शौक से खाते हैं तो बस बहुत अच्छा हो जाता है, सब जो है ना बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैं पायों का सालन थोड़ा सा गर्म कर रही थी कि जो है ना लाइट भी चली गई थी, ओवन में मैं गर्म नहीं कर सकती थी, इसी वजह से मैं जो है ना किसी और बर्तन में निकालती नहीं हूँ कि फिर लाइट चली जाती है 7 बजे और 7:30 हम खाना खाते। खाना खा के बस हम चाय शाय पियेंगे। और ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी अब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।